की उम्मीद आप लोगों से कतई भी नहीं थी कि आप लोग वीडियो देखें उस पर कॉमेंट ना करें। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगती है तो भी, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो भी प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी जो कॉमेंट हैं वो हमें और ज़्यादा अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए मोटिवेट करती है बेटा। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ आप वैसे शेयर करते हो बेटा तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए और उसका आपको भी पुण्य मिलेगा और हो सकता है थोड़ा सा मुझे भी मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। ठीक है, आज हम लोग जो करेंगे बेटा अकाउंटेंसी 12th का थर्ड चैप्टर गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसको करेंगे हम लोग। उसकी थ्योरी पार्ट जो है मैं उसके लिए पहली वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट वन। ठीक है, आज जो है हम लोग उसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहला है मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला जो मेथड है बेटा उसका नाम है सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड आपकी बुक में लिखा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं तो इसका एक्चुअल मीनिंग सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि हमें जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है गुडविल वैल्यू करने के लिए। अगर किसी वजह से अबनॉर्मल लॉस हुआ है या अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है और फिर उसका एवरेज निकलता है। इसलिए मैंने इसका नाम ही बेटा सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। तो कुछ नहीं करना, अपने को कुछ स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया फॉर्मूला गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। भैया मेरे जो है एवरेज निकालना हम लोगों ने बचपन से सीखा है। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि भैया 2 + 4 + 6 इसका एवरेज निकालिए। तो हाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज, 2 + 4 + 6 टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 3। मीन निकालना, एवरेज निकालना एक ही चीज है बेटा, 11th में आप लोगों ने मीन निकालना भी सीखा था, बिल्कुल वैसे ही एवरेज निकालना है। बट हमें एवरेज किसका निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट का। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है। तो 2 + 4 + 6 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4, तो एवरेज कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज निकालना मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमें चाहिए। देखिए बेटा होता क्या है, अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, चलता हुआ बिजनेस परचेज करते हैं, तो चलते हुए बिजनेस को परचेज करने के बाद भी 1 साल 2 साल या 3 साल जिससे आपने पहले बिजनेस खरीदा है उसकी वजह से आप प्रॉफिट कमाते हैं विदाउट गिविंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है, उसके नाम का भी आप प्रॉफिट कमाते हो। तो जितने साल तक सेलर को लगता है ठीक है कि भाई आप उसके नाम का प्रॉफिट कमाओगे उतने गुना वो अपने एवरेज प्रॉफिट का आपसे गुडविल वैल्यू गुडविल कैलकुलेट कराता है। ठीक है, तो यानी अगर मान लीजिए आपको उसको लगता है कि भाई 3 साल तक आप लाभ कमा सकते हो तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 होगा, और उसको लगता है कि आप 2 साल तक उसकी फर्म के नाम से प्रॉफिट कमाओगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 होगा। ठीक है, मींस वो कह रहा है कि भैया आप एवरेज 50,000 कमाओगे और 3 साल तक कमाओगे तो आप मुझे कितना पे करोगे, 1,50,000। तो दैट वाज नंबर ऑफ ईयर परचेज, इट इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ टाइम्स कि हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 3 लिखा है तो हमें कुछ नहीं करना, पहले एवरेज निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट का, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है,
तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई अब्नॉर्मल प्रॉफिट, कोई अब्नॉर्मल लॉस नहीं। अपने को सिंपल 3 साल का प्रॉफिट गिवन है और क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। ठीक है, तो व्हाट आई डिड, सबसे पहले मैंने गुडविल निकालने का फॉर्मूला लिख लिया। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू मेन नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा सम टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इयर्स। जल्दी जल्दी लिख लेना, सम टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, सम टोटल प्रॉफिट कर लेते हैं बेटा 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 60,000 आ जाएगा। ठीक है, 60,000 आ गया, कोई मुश्किल मेरे ख्याल से इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता अगर इस तरीके की वैल्यू आपके क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमने 60,000 निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट को मैंने एवरेज प्रॉफिट की जगह पे रख दिया, यहीं पे कर लेते हैं 60,000। ठीक है, इनटू मेन नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका मतलब सिंपल सा ही है, जितना आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 3 गुना हमारी गुडविल होगी। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 टाइम्स 1,80,000। दिस इज योर गुडविल, है ना आसान बेटा। अब इसके बाद चुना तो ये अपना सेकंड केस हो गया जिसमें अपने को क्या गिवन है बेटा, अपने को गिवन है 1 साल में लॉस। 1 साल में लॉस कौन से में, 2021 2020 से 2021 आपको पता है कोरोना टाइम पीरियड था, तो फर्म हमारी जो है लॉस में चली गई। कितने लॉस में, 30,000। और बोला भैया गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, ये मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, केवल मैंने ये वाला अमाउंट चेंज किया। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब रिमेंबर दिस थिंग बेटा, ये हम लिखते हैं, आपको नहीं लिखना है GW, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। राइट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए गुडविल निकालने के लिए, 3 तो बेटा क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर परचेज, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, परचेज में मिलेगा आपको, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने को क्या निकालना है, केवल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वही फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, मैं फॉर्मूला अब नहीं लिखूंगा, केवल वर्किंग नोट बना लेंगे, आप लोगों को फॉर्मूला पता है। ठीक है, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस माइनस का 30,000। ठीक है, तो ये आपका कितना है बेटा, डिवाइडेड बाय फोर, तो ये हो गया आपका 120,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 30,000। गुडविल कितना हुआ, 30,000 इनटू में 3, दैट इज 90,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000। ठीक है बेटा, तो ये इसका सेकंड केस था, आसान था। बस पहले वाले में क्या था, आपको प्रॉफिट गिवन था, दूसरे वाले में आपके प्रॉफिट के साथ कुछ लॉस भी गिवन है। ठीक है, अब बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी फर्म को किसी स्पेसिफिक ईयर में कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉस हो गया है तो उससे कैसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालें। मान लीजिए
लॉस बाय फायर है। देखिए लॉस बाय फायर फर्म के लिए लॉस है, इसमें फर्म की गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? देखिए आपके एक गोडाउन में माल रखा था, वहां पे आग लग गई, ठीक है, नो डाउट इट इज अ लॉस, ठीक है। बट ये अबनॉर्मल नेचर का है, क्या इस तरीके से आग हर साल लगती होगी तो उससे क्या हुआ होगा, उस साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, जितना एक्चुअल में होना चाहिए था, उस अबनॉर्मल लॉस लॉस बाय फायर या लॉस बाय थर्ड की वजह से कम हो गया। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आया होगा वो कैसे आया होगा, हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट हमें दे रखा होता है बेटा, वो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस अबनॉर्मल लॉस प्लस अबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक साल में हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट था बेटा वो 1,00,000 रुपए था, जो अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन नहीं होती तो हमारा होता, ठीक है, बट ड्यूरिंग दैट ईयर 20,000 का माल जल गया, तो उससे क्या हुआ होगा, हमारा जो प्रॉफिट है उस लॉस बाय फायर को हमने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा। और ऐसे ही उस साल मान लीजिए हमने 10,000 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से कमा लिया, ठीक है, तो जो हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे वो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा बेटा 90,000। तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ये एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है, ठीक है, किसी साल का आपको ये एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, बट उसके साथ में आपको उस साल से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी जो रेगुलर नेचर की नहीं है, या फिर रेगुलर नेचर की है बट उनका ट्रीटमेंट हमने नहीं किया है, रेवेन्यू नेचर की है बट उनका ट्रीटमेंट हमने नहीं किया है। अगर वो अबनॉर्मल नेचर की है, चाहे वो इनकम हो या लॉस हो, तो पहले हमें उसको प्लस या माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, और अगर वो रेवेन्यू नेचर की है, रेगुलर नेचर की है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सपेंसिज है, रेवेन्यू एक्सपेंसिज है, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल में से उसको माइनस करना पड़ेगा, और अगर कोई रेवेन्यू इनकम है जो हमने ऐड नहीं की थी, ठीक है, तो उसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ, जैसे मान लीजिए अब यही आपको गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट 90,000 ये आपको गिवन होगा, और ब्रैकेट में लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर अबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट इज रुपीज 20,000 एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स या अबनॉर्मल प्रॉफिट इज 10,000। तो इस केस में ये जो 90,000 है, this is not our normal profit, this is not our normal profit, ठीक है, ये actual profit है जिसमें कुछ adjustment, कुछ abnormal profit या abnormal loss हमने adjust किए हैं, तो हमें normal profit पे पहुंचना पड़ेगा। तो normal profit अगर केवल abnormal loss है तो आप क्या करोगे, actual profit जो आपको given है प्लस अबनॉर्मल लॉस, प्लस अबनॉर्मल लॉस ये करना है, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस अबनॉर्मल लॉस केवल इतनी एडजस्टमेंट होगी तो ये माइनस हो जाता है। हमें पहुंचना है यहाँ पे, इसको इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट दे रखा है कोई तो आप लिखोगे एक्चुअल प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट की बात की मैंने, अबनॉर्मल प्रॉफिट, तो माइनस अबनॉर्मल प्रॉफिट, माइनस अबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये आपको ऐसे कोई भी अबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद, घटाने के बाद आपका प्रॉफिट दे रखा है तो उसको आपको ऐड करना है, और कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपको प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट में से लेस करना है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब कुछ और कंपोनेंट्स हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे, जो कि अबनॉर्मल लॉस हैं और अबनॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अबनॉर्मल लॉस की।
तो अब नॉर्मल लॉस में सबसे पहले जो आता है बेटा वो आता है लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। अगर किसी साल में आग जलने से, आग लगने से या फिर चोरी होने से आपकी फर्म को नुकसान हुआ है तो ये अबनॉर्मल है क्योंकि ये रेगुलर नेचर का नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए उसको एक्चुअल प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। तो पहले बात करेंगे उन्हीं कंपोनेंट्स की जो हमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। ये ऐड वाला आइटम है जो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आया। सेकंड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, क्योंकि असेट्स का बेचना या प्रॉफिट या लॉस पे, ठीक है, प्रॉफिट है तो भी अबनॉर्मल एक्टिविटीज है और लॉस है तो भी अबनॉर्मल एक्टिविटीज है। बेटा फिक्स असेट्स की बात करें हम लोग यहां पर, क्योंकि असेट्स बेचने के लिए हमारी फर्म भी बची बनी होगी। मेरी फर्म शर्ट बनाने के लिए है तो मेरे लिए नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो शर्ट बेचना है, ठीक है, शर्ट बेच के प्रॉफिट या लॉस है वो कैलकुलेट करना है, ना कि हमारा काम फिक्स असेट्स को बेचना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन एंड ओपनिंग सॉरी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये आगे भी आएगा। तो बेटा हम एडजस्ट करने में, ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट में जो आता है वो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कैसे इसको हमें कैलकुलेट करना है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान क्या रखना है, बेसिकली जो हमारे स्टॉक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से वाला स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है या फिर कौन से वाला स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है, क्योंकि दोनों का बिल्कुल बेटा अलग अलग इफेक्ट है, ठीक है। जैसा कि हमने 11th में पढ़ा था तो ओपनिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है जो कि लॉस का होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब है कि जितना आपका एक्चुअल में स्टॉक था हमने उससे ज्यादा वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दी। इसी तरीके से अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब है बेटा कि हमारे एक्चुअल स्टॉक की जितनी वैल्यू थी बुक में हमने उससे कम रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। अब आपको ये देखना होता है कि जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है बेटा वो किसका गिवन है, ओपनिंग स्टॉक का या फिर क्लोजिंग स्टॉक का। तो बात करते हैं अलग अलग, सबसे पहले बात करते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कि वैल्यू हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। अगर ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का है और ओपनिंग स्टॉक बेटा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आता है, ठीक है, तो जब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा, मान लीजिए हमारा ओपनिंग स्टॉक एक्चुअल में 50,000 था, ठीक है, बट हमने उसको ओवर वैल्यूड किया हुआ बाय 10,000, मतलब हमने उसको 10,000 ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। तो 10,000 जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में हमने दिखाया होगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो 10,000 रुपए कम हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट जो है हमारा 10,000 रुपए कम आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल 500,000 था, ठीक है, 500,000, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक एक्चुअल में जो होना चाहिए था वो 50,000 था, बट हमने कितना लिखा है 60,000, ठीक है, परचेज 300,000 थी, ठीक है, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपके 50,000 थे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए था बेटा 1,00,000, ठीक है, 300,000, 50,000 और यहां 50,000 एक्सपेंसेस थे एक्चुअल में। एक्चुअल स्टॉक कितना था, एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक था 50,000 और हमने उसकी जगह कितना रिकॉर्ड किया हुआ है 60,000, दिस इज कॉल्ड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। और ये यहां पे कहां पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, डेबिट हमारी खर्चे वाली साइड होती है। तो इससे जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया बेटा वो 90,000 आएगा, ठीक है,
ये कब है, जो हमने 10,000 रुपए ओवर वैल्यूड किया हुआ है। अब हमें पता चल गया कि 90,000 प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बाय 10,000। तो इस 10,000 को हमें दोबारा से ऐड करना पड़ेगा 90,000 में, तब हमारा प्रॉफिट आएगा नॉर्मल प्रॉफिट यानी 1,00,000। इन द सेम मैनर मान लीजिए यही ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट साइड में हुई थी, यही ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट साइड में होती मतलब क्लोजिंग स्टॉक में, तो क्रेडिट साइड प्रॉफिट वाली साइड होती है बेटा, इनकम वाली साइड होती है, तो उससे हमारा 10,000 रुपये प्रॉफिट बढ़ जाता जो एक्चुअल प्रॉफिट आता। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, एक्चुअल में से उस 10,000 रुपये को लेस करना पड़ता, एक्चुअल में से उस 10,000 रुपये को लेस करना पड़ता, ठीक है। तो ये तो बात की हमने ओपनिंग की, सॉरी ओवर वैल्यूएशन की। अब बात करते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब है कि जितना एक्चुअल में हमारा स्टॉक है उससे कम वैल्यू हमने रिकॉर्ड की हुई है, फिर उसमें भी वही है ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर हमने ओपनिंग में अभी हम मान लीजिए 70,000 था एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल कितना था 70,000, ठीक, बट हमने कितना लिखा है 60,000, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना रिकॉर्ड कर दिया 60,000। तो ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में। तो इससे क्या हुआ, 10,000 रुपये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि हमने 10,000 रुपये खर्चे कम लिखे ओपनिंग स्टॉक के रूप में। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस 10,000 रुपये को लेस करना पड़ेगा, उस 10,000 रुपये को लेस करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे 10,000 रुपये कम लिखा जाता तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकलता वो 10,000 रुपये कम होता, एक्चुअल प्रॉफिट जो निकलता वो 10,000 रुपये कम होता। तो नॉर्मल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस 10,000 रुपये को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ और एडजस्टमेंट है नॉन रिकवरिंग एक्सपेंसेस, इनको भी हमें ऐड करना पड़ता है क्योंकि अभी हमें ऐड वाले सीख रहे बेटा, जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। नॉन रिकवरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं बेटा जो रेगुलर नेचर के नहीं होते, जो इस साल हुए हैं बट भविष्य में शायद आगे ना हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल नहीं है इसलिए हम इनको दोबारा से ऐड कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। कैपिटल एक्सपेंसिव चार्ज एज रेवेन्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एक्सपेंसिव चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंसिस। 11th में हम लोग ये स्टडी करते थे, चैप्टर का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एरर ऑफ प्रिंसिपल होता था, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हम लोग लिखते थे, ठीक है, क्या लिखते थे, जैसे कि वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड एज एज वेजेस, उसको हमने वेजेस रिकॉर्ड कर दिया, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी असेट्स पे खर्चा किया है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट हमने इसको क्या मान लिया, नॉर्मल वेजेस मान लिया। या परचेज ऑफ कंप्यूटर, रिकॉर्डेड इन परचेज, तो परचेज ऑफ कंप्यूटर जो है बेटा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट हमने इसको क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो जब रेवेन्यू माना तो इसको हमने खर्चों में दिखा दिया बट एक्चुअल में ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे थे ही नहीं है, तो कैपिटल नेचर के थे बेटा, तो इसको हमें दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तो बैलेंस शीट में जाने चाहिए ना, हमने दिखा दिया ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद इन पर जितना डेप्रिसिएशन लगता है वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ इनकम भी होती हैं जो अबनॉर्मल इनकम है, ठीक है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए लेस करना पड़ेगा। तो करते हैं उनकी बात, तो बेटा बात करते हैं वो अबनॉर्मल गेन्स, अबनॉर्मल प्रॉफिट जो हमें लेस करने पड़ते हैं किस चीज़ के लिए, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन मीन्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अगर ड्यूरिंग अ ईयर हमने कोई फिक्स असेट्स बेची है और उसको बेच के प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करते थे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, बट एक्चुअल में वो अबनॉर्मल गेन है, हमारा काम असेट्स बेच के लाभ कमाना नहीं। दूसरा है नॉन रिकवरिंग इनकम,
ऐसी कोई इनकम जिसका हमें लगता है कि फ्यूचर में वो नहीं होगी और इस साल केवल हमें प्राप्त हुई है, तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो रेगुलर नहीं है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स रेमुनरेशंस, ये वो चीजें हैं जो हमें रेगुलरली पे करनी थी बट अभी तक हमने पे नहीं की, जो ये लास्ट के दो हैं, ये इसलिए लेस हो रहे हैं बेटा। पार्टनर्स रेमुनरेशंस, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि भाई पार्टनर्स को सैलरी पे करना था, पार्टनर्स को रेमुनरेशन पे करना था, बट अभी तक हमने पे नहीं किया और जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ रखा है, ठीक है, वो बिना रेमुनरेशन पे के दिखा रखा है, तो उस रेमुनरेशन को भी हमें लेस करना पड़ता है। इसके अलावा एनी फ्यूचर एक्सपेंसिस, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक है, मान लीजिए हमारी फर्म हर साल इंश्योरेंस कराती थी, ठीक है, अभी तक हमने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया, इंश्योरेंस पे करना है, ठीक है, तो उस खर्चे को भी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए अब करते हैं कि कैसे इन एडजस्टमेंट को हम लोगों को यूज करना है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, विद एडजस्टमेंट। तो चलते हैं भाई लोगों फटाफट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ क्यों दे रखा, 2018 का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, जिसमें इंक्लूड है 20,000 रुपए, 20,000 अबनॉर्मल गेन, 2019 का प्रॉफिट है 2,20,000 आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे अबनॉर्मल गेन था बेटा, यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस है 40,000 का, 2020 का प्रॉफिट है 1,70,000, जिसमें इंक्लूड है नॉन रिकवरिंग या नॉन बिजनेस इनकम ऑफ रुपीज 10,000। लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर ऑफ परचेज, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, ये मैंने स्टेप लिख दिए हैं। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अबनॉर्मल गेन को या फिर अबनॉर्मल लॉस को। कैसे करेंगे, सबसे पहले ईयर मैंने लिखा 2018, इसका प्रॉफिट लिखा 2 लाख रुपए, ठीक है, लिखा है 2 लाख कब आया है, जिसमें अबनॉर्मल गेन है 20,000 का, अबनॉर्मल गेन है 20,000 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अबनॉर्मल गेन ने हमारे एक्चुअल प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए उस अबनॉर्मल गेन को लेस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1,80,000 नॉर्मल प्रॉफिट। 2019 में आए बेटा, 2019 में चले, एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000 आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 40,000, आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 40,000, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल निकालने के लिए 40,000 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा, अब हम इससे बदला लेंगे और इसको ऐड कर देंगे दोबारा से, ठीक है। 2020 पे आ गए बेटा, 2020 में हमें प्रॉफिट दे रखा है 1,70,000 और जिसमें 10,000 आपकी नॉन बिजनेस इनकम है, जो हमें बिजनेस से नॉर्मल रेवेन्यू के बिजनेस से नहीं मिला, नॉर्मल रेवेन्यू नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा नॉर्मल निकालने के लिए, इसको भी लेस करना पड़ेगा और ये आ जाएगा बेटा 1,60,000, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, राइट। अब मुझे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, रिमेंबर दिस थिंग, हम हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं, तो नॉर्मल ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इसका जो फॉर्मूला था वो हमने पढ़ लिया था, क्या था, टोटल ऑफ प्रॉफिट दैट इज 6 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2 लाख, और इसके बाद हमारा लास्ट है गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दैट इज एवरेज प्रॉफिट, आपको फुल फॉर्म लिखना है, अभी बता रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज दैट इज 2 लाख, नंबर ऑफ इयर परचेज कितना था इनटू 3 6 लाख, राइट। आई होप आपको जो पहला मेथड था बेटा, ये केवल पहला मेथड था, अभी इसमें एक और भी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, बट आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीज़ें सिखानी जरूरी थी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बेटा, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है बट प्राइवेट किया हुआ है बेटा,
उसको पब्लिक कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय।